कल के एपिसोड में जहां शेफाली बग्गा ने रद्द करवाया था कैप्टनसी टास्क, वही आज के एपिसोड में बिग बॉस करवाएंगे एक नया कैप्टनसी टास्क, जिसके घर में अनाउंसमेंट भी बिग बॉस शेफाली द्वारा ही करवाएंगे। बिग बॉस ने दिए हैं कैप्टनसी कंटेंडर्स के नाम, जिसमें है शेफाली जरीवाला, आरती सिंह, अरहान खान, मधुरिमा, विशाल और आसिम रियाज। वहीं बाकी घर वालों को बनना होगा ड्राइवर। बिग बॉस द्वारा दिए गए कंटेंडर्स में से जो भी इन ड्राइवर्स से लिफ्ट लेके पहुंचेंगे बीबी पार्किंग तक, वो हो जाएंगे कैप्टनसी रेस में आगे। तो विकास गुप्ता ने सबसे पहले लिफ्ट दी है अरहान खान को। वहीं महिरा शर्मा अपनी कैब में बिठाएंगी आरती सिंह को, और शेफाली जरीवाला कन्विंस कर चुकी है शेफाली बग्गा को उसकी कार में बैठने के लिए। और दूसरी तरफ बहुत ही नखरे करने के बाद सना लिफ्ट देंगी आसिम रियाज को। लिफ्ट देने के बाद इन कैब्स को रहना होगा मोशन में, और कल ही के टास्क की तरह सिद्धार्थ शुक्ला रहेंगे इस कैप्टनसी टास्क के संचालक। यहां विकास और अरहान की कैब बार बार टकराएगी शेफाली की कैब से। वहीं सना और आसिम की कैब में कोई मूवमेंट ना देखते हुए सिद्धार्थ बताएंगे रूल्स के हिसाब से चलने के लिए जहां शहनाज और सिद्धार्थ में फिर से एक बार कहासुनी हो जाएंगी। अरहान से पहले मधुरिमा ने कन्विंस किया था विकास को लिफ्ट देने के लिए, जहां विकास पहले मान जाते हैं और फिर मधुरिमा जैसे ही गाड़ी में बैठती है उन्हें उतार देते हैं और कैप्टनशिप रेस से बाहर कर देते हैं ये बताकर कि तुम नई हो कैप्टनशिप के लिए। वही विशाल को भी किसी ड्राइवर ने लिफ्ट ना दी, इसीलिए ये दोनों सबसे पहले हो गए हैं कैप्टनशिप रेस से बाहर। और बाहर होते ही दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हुए झगड़ने लगते हैं। वही रश्मि बार बार आके विकास से कहती है अरहान को कैप्टन बनाने के लिए, जिसके बाद विकास मना करते हैं और कहते हैं अरहान को मैं कैप्टन नहीं बनाऊंगा, और अरहान को भी थोड़ी देर लिफ्ट देके अपनी गाड़ी से उतार देते हैं और खाली गाड़ी को ले जाकर पार्क कर देते हैं, जिससे कि अरहान भी हो जाते हैं कैप्टनशिप टास्क से बाहर। जिसके बाद रश्मि और अरहान भी झगड़ते हैं विकास से, उसे धोखेबाज बुलाते हैं। दोस्तों रश्मि और पारस इस टास्क में हिस्सा नहीं लेंगे अपनी उंगली में चोट के कारण। महिरा की गाड़ी समय पे पार्क ना होने की वजह से आरती सिंह भी हो जाएगी इस रेस से बाहर। तो अब इस रेस में बची है दो गाड़ियां, जिसमें कैप्टनसी कंटेंडर्स है आसिम रियाज और शेफाली जरीवाला। और इन दोनों में से बीबी पार्किंग में सबसे पहले किसकी गाड़ी पहुंचती है ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा उनके ड्राइवर्स पे, यानी कि शेफाली बग्गा और शहनाज पे। वहीं इस टास्क के लास्ट राउंड में दोनों शेफाली रह जाती है अपनी कार के साथ बाहर, और आसिम रियाज और शहनाज पहुंच जाते हैं पार्किंग में। जी हाँ, आसिम की गाड़ी पार्किंग में पहुंचते ही इस टास्क के विनर हो जाते हैं आसिम रियाज, और बीबी हाउस को मिल गया है उसका नया कैप्टन आसिम के रूप में। सो गाइस प्लीज कमेंट योर रिएक्शन एंड लाइक द वीडियो।